तो गाइस जैसा कि आज हमने बताया कि आज हम मंडोर आए थे, मंडोर में मैं और दीदी दोनों विजिट करने आए थे, और इस विजिट के दौरान हमने मंडोर उद्यान और मंडोर म्यूजियम देखने का फैसला किया। राइट, हमने पूरा टाइम मास्क पहना हुआ था, ऐसा नहीं कि हमने ये अभी मास्क उतारा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग अभी जस्ट उतारा है, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन। नहीं, व्यूअर्स कैन ऑल्सो सी दैट आई हैव ऑल्सो वियर्ड अ मास्क, ठीक है, इन द होल वीडियो। राइट, सो वी हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वेयर necessary to follow, we have done that. We are mentioned that photography is prohibited and video recording is not allowed here, so we strictly followed the rule, so we didn't take any here I'll yell and tell you. So guys, aaj mausam bahut acha hai, aaj hamari puri thakan utar gayi kyunki aaj hum bahar se ghoom kar aaye hain, aur ab humne next plan kiya hai ki aaj hum yahan se lautenge ghar jane se pehle city se niklenge, कुछ चटोरापंती करते हुए निकलते हैं, फिर इसके बाद हम घर पहुंचेंगे, घर जाके हमारा शाम को प्लान होगा। अब वो प्लान क्या हो सकता है, हम कुछ घूमने जाएं या कोई अच्छी सी जगह जाके कुछ खाना पीना खाएं। सो वी विल अपडेट यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अगर ये मेरे साथ रहा तो जरूर अपडेट करेगा, मैं नहीं करूँगा ये करेगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। मंडोर के पीछे वाले गेट पर आ गए हैं, जो महादेव जी का मंदिर है उसे दर्शन करते हुए हम सीढ़ियाँ चल रहे, देखते हैं ये सीढ़ियाँ हमको कहाँ लेकर जा रही हैं। मंडोर का किला है, ऊपर जाके देखते हैं कैसा है, क्या बचा है अभी। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी हम मंडोर की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर हैं, और अगर ऊपर से आप नज़ारा देखेंगे तो आपको इस टाइप का नज़ारा दिखेगा। ये सामने हमारा मंडोर गार्डन है, मंडोर गार्डन के पीछे जो ये इमारत बनी, यहाँ पे म्यूज़ियम है, इसके पीछे किला है, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, किसी टाइम होगा। तो हम हल्का हल्का एक राउंड मार के देखेंगे आसपास क्या है इस किले के आसपास, फिर आपको बताते हैं। पीछे देख सकते हैं मंडोर के जस्ट ऊपर आ चुके हैं, और पीछे किला, वो देखो पीछे किला है। ट्राई करते हैं अगर हम वहाँ तक पहुँच गए सही टाइम पे और अंधेरा होने से पहले कुछ देखा तो आपको जरूर दिखाएंगे, बट हाँ अच्छा एक्सपीरियंस है। पाथवे आप देख सकते हो मेरे पीछे, इस तो चलते हैं किले की ओर। बीजू कौन सा रास्ता अपनाया जाए, यहाँ शॉर्टकट मारे कि यहाँ से लंबा चलें? लंबा ही चलते हैं, शॉर्टकट का काम हमेशा पंगा होता है, आराम से चलो, रिस्क नहीं लेना लाइफ में ज़्यादा, नहीं थक जाएंगे यार वहाँ से बहुत लंबा। देख यहाँ से रास्ता जो जा रहा है सीधे वो ऊपर तक जा रहा है, ऊपर उसके लिए तो हमारे पे इतना टाइम है नहीं, रात हो जाएगी। इधर से जाएं, तो गाइज़ हमने ये डिसीजन लिया कि हम इस रास्ते से जाएंगे और शॉर्टकट होते हुए जाएंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। अदरवाइज़ आप यहाँ से देख सकते काफ़ी लंबा रास्ता, और रास्ता भी ठीक नहीं है। तो आप भी कभी आए ना तो कोशिश करिएगा स्टेप जो बने नीचे उस स्टेप से आए, पाथवे से जाके ऊपर जाएँ। तो हम अभी शॉर्टकट रास्ता लेने वाले हैं। आपकी साइड किला है, काफ़ी अच्छा सुंदर है, हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। आप नीचे देखिए, सामने भी तो स्ट्रेट, सामने जो छतरी दिख रही, छतरी को क्रॉस करते हुए मंडोर का गेट है। मंडोर गेट उदान के अंदर आप अंदर आएंगे, अंदर आते देखेंगे आप जो आपको मैंने दिखाया था, कुछ साइड में मोनूमेंट्स बने हुए हैं, उन मोन्यूमेंट्स को आप क्रॉस करते हुए आएंगे तो आपको अंदर आने पे लेफ्ट हैंड पे म्यूज़ियम दिखेगा। म्यूज़ियम पे आप आइए, देखिए बहुत शानदार म्यूज़ियम है, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। म्यूज़ियम के सामने ही भैरव जी का मंदिर भी, मंदिर भी दर्शन कर सकते हो। उसके बाद आप आएंगे महादेव जी का भी छोटा सा मंदिर है, आप मंदिर दर्शन कर पाइए। और आप सामने आप देखिए पाथ कितना अच्छा है, आप आराम से आइए, वॉक करते हुए इस पाथ पर आइए, अपनी फैमिली को लाइए और फुल इन्जॉय करेंगे आप। एक ऐसा इन्जॉय जो कि कम से कम बजट में आपको ज़्यादा मज़ा देगा, इसमें इंस्टीड ऑफ किसी महंगी जगह जाएंगे ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे, बेटर है कि आप यहाँ पर आइए, थोड़ी नेचुरलिटी चीज़ देखिए, नेचुरल चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है काफ़ी अच्छी बन जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से मंदिर कंस्ट्रक्शन है, दीवारें देख सकते हैं बन रही है, कुछ और भी यहाँ प्लान कर सकते हैं, जो कि मतलब आप टूरिस्ट स्पॉट देखेंगे, टूरिस्ट स्पॉट के लिहाज से काफ़ी अच्छी जगह है। संभल कर नीचे लोगों तो कैसे गड्ढों में करोगे अब की बार, ऐसे वाले नहीं, अगर आप संभाल के नीचे लेको तो ऐसे गड्ढों में गिरोगे, ध्यान रखना। हम खुद भी संभलेंगे, दूसरों को भी संभाल के चलेंगे। अच्छा आप ये छोटे छोटे घर देखो, ऐसी मान्यता है कि जब आप इस तरह के पत्थर के घर बनाते हो तो आपका भी घर बन जाता है, और ये मान्यता कहीं कहीं पे सच भी है, ठीक है।
बोले मंडोर किराया बता। ये मंडोर दुर्ग के बारे में एक इंस्क्रिप्शन लगा जो आप देख सकते हो 1999 से 10 में, जो कि पत्थरों की छोटे छोटे मकान देखोगे दोस्तों, इसको बिल्कुल भी लाइट मत लेना, ये लोगों की मान्यता है, लोग मानते हैं और बनाते हैं। तो ऐसा सही में भी होता है कि अगर आप सच्चे मन से कोई मान्यता मांगे और इस तरह के, हाँ मकान बनाया तो जरूर हो सकता है। अब बिज्जू भी बना रहा था, बिज्जू को अभी तीसरे मकान की लालच है, दो मकान इसके पास ऑलरेडी है। फार्म हाउस हाइड आउट बना दो मेरा खुद का। चलो भगवान करे जो बिज्जू बना रहा है जिस मन से जरूर पूरा हो जाए। बारिश में तो यहाँ पे एक अलग ही मतलब मौसम हो जाता होगा ना। अच्छा आपको एक लेआउट दिखाता हूँ, ये देखो ये लेआउट देख रहे हो, जैसे मकान बनता है नींव बनती है, फिर उसके ऊपर कैसे मकान के ऊपर कमरे बनते हैं, किचन बनती है, उसका एक लेआउट होता है ना जिसके ऊपर दीवार खड़ी करी जाती है, ये उसी टाइप का। उधर हम कभी और चलेंगे, आज हम यहाँ चलते हैं। बिल्ली जी रास्ता पार कर रही है, मतलब काट रही है, पार कर रही है। कोई बात नहीं, जाने दो, बिल्ली है। इधर चल के हमें पहले मंदिर है इधर। तो अब हम और बिज्जू ने प्लान बनाया कि हम किले में जाने से पहले एक मंदिर और, जहाँ पे अभी पताका फहरा रही है उस मंदिर में जाएंगे। आप देख सकते हो सामने की काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे वास्तव में पसंद है। ये पत्थर हैं, इन पत्थरों पे देखो नक्काशी हुई है, डिज़ाइंस भी बने, किसी टाइम बनेंगे जो कि अब टूट गए, हो सकता है इनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके अच्छा से किया जाए। ये देखो आप, किसी टाइम छतरियाँ होंगी यहाँ पे भी जो अवस्था में, और काफ़ी अच्छा है मंडोर, अगर आप आओगे तो मज़ा आएगा। मैं तो कहता हूँ टहलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, टहलने के लिए इन द सेंस घूमने के लिए। ठंड है दोस्तों, बिल्कुल लाइट मत लेना कि यहाँ पे ठंड नहीं है, हवा अच्छी है, तेज़ चल रही है, मौसम को देख के आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो। एक मंदिर ये ऊपर जो कि आई थिंक इस टाइम क्लोज है, और आप देखेंगे छतरियाँ हैं, तो हम देखते हैं मंदिर अभी ओपन है कि नहीं है, अगर ओपन होगा तो जरूर दर्शन करेंगे। हालांकि मंदिर के अंदर की कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मैं नहीं कर रहा हूँ, और आई थिंक मुझे लगता करनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप दर्शन करने आते हैं, दर्शन करिए, बाहर के एरिया पे चाहे आप रिकॉर्डिंग करिए, देखिए, इंजॉय कीजिए, पर जिस आस्था से मंदिर में दर्शन करें उसी आस्था से दर्शन करके आप वापस आइए। इन छतरियों की भी अपनी एक शान है, सामने मंदिर जो कि लॉक लगा है तो आप दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, बट आपको दिखाता हूँ इसका बरामदा। आप मंडोर पे आके ऊपर आएंगे तो आपको मंदिर के दर्शन जोर होंगे, बट यहाँ पे अभी इस टाइम ब्लॉक लगा है तो हम वापस लौट रहे हैं, बाहर से दर्शन कर लेते हैं और बाहर से हाथ जोड़ लेते हैं। एक मंदिर जस्ट हमारे पीछे है, इसका प्रवेश द्वार साइड से जाना पड़ेगा हमको, और साइड से जाने के बाद देखते हैं मंदिर खुला कि नहीं है। आइए चलते हैं। ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा काफ़ी शानदार है, आप मंदिर के आंगन को देख सकते हैं। अभी हम नीचे चल के देखते हैं और ये मंदिर के ऊपर कैसा, जहाँ पे हो सकता कुछ मूर्तियाँ पहले हों कभी, फ़िलहाल अभी तो नहीं है मूर्तियाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो सकता कभी मूर्तियाँ हों, और हो सकता कभी आने वाले टाइम में इसको वापस से सही किया जाए तो फिर कुछ मूर्तियाँ रखी जाए। फुर्सत चाहिए तो काफ़ी मज़ा आएगा घूमने का। अब हम मंदिर के दर्शन करने के लिए नीचे उतरते हैं। इस इमारत को जब आप देखेंगे, इस इमारत से बाहर निकलिए और आप नीचे आइए, ठीक है। नीचे आते देखेंगे ये रास्ता जो कि इस मंदिर से दर्शन करने के बाद आप नीचे उतरेंगे, नीचे से आप आइए, रास्ते को क्रॉस करिए और वहाँ पर देखिए सामने एक मज़ार है, और मज़ार के पास में देखिए छोटा सा झील है। हालांकि उस झील को जब आप क्रॉस करेंगे, सामने जाएंगे, सामने जाने के बाद आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी, उन सीढ़ियों को चढ़ के आप सामने जाएंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छा अनुभूति होगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है।
मंडोर उद्यान का माता जी के मंदिर के पास जो चबूतरा है उस चबूतरे से हमने ये शॉट क्लिक किया है। कैसा दिखता है आपको मंडोर गार्डन? पहाड़ों के बीच बसा हुआ मंडोर गार्डन। अगर आप मंडोर को गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। और मैं लिटरली बताऊं कि अभी भी मेरा मन सामने वाली पहाड़ी पे जाने का है, बट हम जा नहीं रहे क्योंकि जो चीज़ सामने से इतनी पास दिख रही वो इतनी है नहीं। उसको क्रॉस करने के लिए हमको इस रास्ते से जाना पड़ेगा जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है और रात हो रही है, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सामने देखो पहाड़। हालांकि जोधपुर पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, बारिश में तो एक अलग ही रौनक होती है। बिज्जू को सुपर्ब लगा। सुपर्ब कैसा लगा? इट्स ऑसम, सुपर्ब, एंड प्लीज डू कम ओवर हियर एंड आई फील यू मस्ट आल्सो फील। अच्छा, आपको सबसे अच्छी चीज़ बताते हैं। नहीं पता कि अभी हम लोग घर से आए, ठीक है, जाके हम लोग जैसा कि जिस जगह पर आता है उस लोकेशन से करीबन 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एटलीस्ट है। आप वहाँ से आइए, सिटी में अगर आप रहेंगे तो सिटी के पास नियर बाई 10-12-13 किलोमीटर आराम से डिस्टेंस टैकल कर सकते हैं। तो वहाँ से आने का आपको जो कन्वेंस लगता है, जो टैक्सी का, जो आपके खुद अगर व्हीकल है तो उसका लगेगा। बाकी अंदर आने की फ़ीस क्या है? 20 रुपीज़ है, वो भी म्यूज़ियम की। बाकी की जगह आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जगह है, आप देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल म्यूज़ियम में जाने के लिए 20 रुपीज़ की एंट्री दीजिए। देखिए, अगर आपको म्यूज़ियम देखना है तो, अदरवाइज़ म्यूज़ियम नहीं देखना तो आप साइड में जितने भी जगह देख रहे हैं आप जगह पे देख सकते हो, घूम सकते हो। काफ़ी अच्छी रौनक भरी जगह है। हालांकि मंडोर की जो छतरियाँ हैं मेरे पीछे हैं, अगर आपको दिखेगी तो आप देख सकते हो, मंडोर की छतरियाँ दिख रही हैं। उन छतरियों तक अभी हम नहीं गए, तो अभी हम लौटते वक्त उस छतरी को क्रॉस करते हुए चलेंगे और वहाँ से फिर वापस हम अपने व्हीकल को उठाएंगे और घर की ओर रवाना होंगे। समाधियाँ बनी हैं, इन्हीं को बोलते देवल। देखिए कितनी खूबसूरत समाधि हैं, बहुत ही खूबसूरत, दोनों साइड पे, पीछे भी बनी हुई हैं। इन समाधियों को ही देवल बोला जाता है। मंडोर धाम। Finally pack up, we're going to go home. Do come. If you like, do subscribe, follow है, लाल बटन को दबा दो। खुदा रहे भी होती है मंडोर, जो कि जोधपुर के अंदर ही स्थित है और काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पे कभी विजिट करने आएंगे तो विजिट करिए, फैमिली के साथ आइए, पिकनिक मनाइए। और आपको बता दूँ, काफ़ी रिजनेबल है। आपको सिर्फ म्यूजियम के लिए 20 रुपीज़ देने हैं, बाकी पूरा एरिया आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। क्योंकि अभी हालांकि जैसे कि हम एंट्रेंस में आए तो एंट्रेंस पे कोई टिकट नहीं लगा। हो सकता है इन फ्यूचर या हमारे वीडियो के बाद में कभी टिकट्स लगे तो एक नॉमिनल सा चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस नहीं होगा। और काफ़ी हरियाली है, रोड साफ़ है, क्लीन है, सेफ्टी है, फूड कोर्ट ऊपर है और लोग यहाँ पर जॉगिंग के लिए भी आते हैं। आप जॉगिंग भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो। अगर आप मंडोर से
मंडोर पार्क के अंदर आएंगे। मंडोर पार्क के अंदर आने के बाद म्यूज़ियम को भी दर्शन कर लेंगे, उसके बाद मंदिर के दर्शन करने चाहेंगे। सामने भैरव जी का भी मंदिर है, और अगर आप उसके बाद थोड़ा और एडवेंचरस कुछ फील करना चाहते हैं तो मंदिर से सीधे ऊपर निकल जाइए सीढ़ियों के द्वारा। ऊपर जाके देखेंगे आप मंडोर का जो पूरा प्राचीन दुर्ग है, उस दुर्ग को देख सकते हैं। आस पास की लोकेशन बहुत रमणीय है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। शांत है जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। तो पूरा मंडोर अभी भी हमने नहीं घूमा है क्योंकि काफ़ी टाइम चाहिए, और आज हम क्योंकि किसी काम से निकले थे तो हमने सोचा कि नहीं मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा घूम के आए, तो मंडोर घूमने आ गए। तो मंडोर घूमने के बाद हमने देखा यहाँ पर रियल में काफ़ी अच्छी जगह और अच्छा डिसीजन था जो हम यहाँ पर आए। हमें अच्छा लगा बिजू साथ में, हमें अच्छा लगा बिजू साथ में था तो हमने घूम लिया। अगर बिजू नहीं होता तो हम नहीं आते, लेट हो जाते हैं, वापस घर निकल जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, खा जाते हैं, उड़ जाते हैं।